डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बता रहा हूँ बी जो कि हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन आज मैं जो बता रहा हूँ बी को मेन वर्ब के रूप में कैसे यूज किया था। बी माने होना होता है। इसको प्रेजेंट टेंस में इज आई एम आर लिखते हैं, प्रेजेंट टेंस में इज आई एम आर लिखते हैं। पास्ट टेंस में इसको वाज और वर लिखते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज लिखेंगे, प्लूरल है तो वर लिखेंगे, और इसका थर्ड फॉर्म बीन होता है। वैसे बी वाज बीन इसको कहते हैं, बी वाज बीन, लेकिन प्रायः बीन लिख के इस आर एम प्रेजेंट टेंस में लिखा होता, पास्ट टेंस में वाज वर लिखा होता है, और बीन थर्ड फॉर्म। इसके अलावा इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बीइंग भी होता है, रहा रही के सेंस में इसका यूज होता है। या पैसिव वाइज बनाते हैं तो इसका आईएनजी फॉर्म जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले सेंटेंसेस में होता है। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको बी होना एज मेन वर्ब, ये मेन वर्ब के रूप में कैसे यूज होती। यू, अब इसमें हर सेंटेंस में अगर वर्ब भरनी होती तो कोई ना कोई पहचान ऐसी होती जो उसके टेंस का बोध कराती, टेंस के बारे में बताती है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड नहीं, तो इसको प्रेजेंट टेंस में मानेंगे तो लिखेंगे यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आप बहुत बुद्धिमान हैं। यहाँ पर आर का मतलब हैं। अब यहाँ पर यस्टरडे लिखा, आई सिक यस्टरडे, यस्टरडे पास्ट टेंस की पहचान है, तो ये यहाँ पर पास्ट टेंस हो जाएगा, आई वाज सिक यस्टरडे, कल मैं बीमार था। उसके बाद में हैव यू, हैव है प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर हैव यू बीन इन आगरा, बी माने होना या जाना भी, जाने के सेंस में भी यूज होता है। हैव यू बीन इन आगरा, क्या आप आगरा में रह चुके हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव है, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगेगा। फिर सी विल बी इन लखनऊ, वह लखनऊ में होगी, होने के लिए विल फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पर जो बी है वो होने के सेंस में लगा हुआ है। तो यहाँ पर आर प्रेजेंट फॉर्म में है, वाज पास्ट फॉर्म में है, और यहाँ पर परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगा हुआ बीन, और फ्यूचर इनडेफिनिट में ये विल के बाद बी लगा। द ट्रेन इज नाउ, नाउ जब लगा होता है तो मान लेते हैं वाक्य कंटिन्यूअस टेंस का है, तो ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। इज है तो इसके बाद आई एन जी फॉर्म आना चाहिए, द ट्रेन इज बीइंग लेट नाउ, अब ट्रेन को देर हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस, विल शी बी, विल सी बी यहाँ पे हेल्पिंग देम, क्या वह उनकी मदद कर रही होगी। विल सी बी, यहाँ पर विल के बाद बी लगा है, यहाँ पर ये मेन वर्ब के रूप में नहीं है, हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में, विल शी बी हेल्पिंग देम, क्या वह उनकी मदद कर रही होगी। तो बी के यूज़ को बहुत ही केयरफुली समझें, क्योंकि ये कहीं पर मेन वर्ब और कहीं पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ होती है, इसको ध्यान रखें। और कमेंट करके बताएं आज का वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट टर्न पर फिर मिलेंगे एक नए ग्रामर के नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।